उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनोरा तहसील के शहर गजरौला में पर्यावरण एवं सर्वजन कल्याण सेवा ट्रस्ट के बैनर तले डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रांगण पौधारोपण किया गया और अपने देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह ने बताया कि मुरादाबाद मंडल में प्रतिदिन 700 से लेकर 800 पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा? जब पर्यावरण सुरक्षित ही नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है? पेड़ पौधों की वजह से ही हमें सही ऑक्सीजन मिल पाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह ट्रस्ट के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य अपने क्षेत्र में 10,000 पौधे लगाने का है, जिसके लिए दिन प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। लगवाऊंगा अपनी टीम से कम 100-100 पेड़ एक एक सदस्य से लगवाऊंगा, और इस पर्यावरण को, जो बिगड़ता पर्यावरण है, जो आज बहुत आवश्यकता है, इस समय गर्मी चरम सीमा पर है, बारिश होने का नाम नहीं लेती है, वृक्षों के द्वारा वर्षा होती है और बिना वृक्षों के वर्षा असंभव है। आज कितने पौधे लगवाए गए हैं? आज लगभग 40 पौधे लगवाए। आप इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं तो जनता से ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक आदमी एक आंगन में, सड़क के किनारे पर, अपने खेतों पर कहीं ना कहीं कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए, और उसका हो सके तो उस पर नामकरण भी कर देना चाहिए कि ये पौधा किसने लगाया है। उसके रख रखाव, देखभाल उस आदमी की ही पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आज पेड़ लगा।